असलम गर्ल्स कैसी हैं आप सब उम्मीद है आप सब खैरी से होंगी आज की वीडियो में मैं आपको हांडी बेस को विंटर में किस तरीके से आप अप्लाई करके एक बहुत परफेक्ट पार्टी और ब्राइडल बेस बना सकते हैं ये तरीका आपसे शेयर करूंगी और हांडी बेस को स्टेप किन स्टेप को फॉलो करना चाहिए विंटर में हांडी बेस को अप्लाई करने से पहले कि आपकी बेस के ही ना लगे और बहुत फ्लॉलेस की अप्लाई हो और हमारे ब्यूटी प्लैंडर वेट होना चाहिए या ड्राई और किस तरह हमने स्किन केयर करनी है बेस लगाने से पहले और किस तरह बेस को सेट करना है ये सब आपसे शेयर करूंगी तो आज जिस बेस का मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ ये है शेफर की ग्लोइट हांडी बेस थ्री थ्री एक्स कवरेज देती है हंडर्ड परसेंट हलाल है और ये बहुत फेमस ब्रांड है बहुत अफोर्डेबल है पाँच या छः सौ की आपको लोकल मार्केट से और ऑनलाइन भी मिल जाएगी तो आइवरी मेरे पास शेड है इसमें बहुत से शेड अवेलेबल हैं आज इसी से मैं आपको विंटर में हंडी बेस लगाने के तरीका बताऊंगी तो हंडी बेस लगाने से पहले हमने स्किन को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होता है ताकि वो हमारे पोर्स में ना जाए तो स्किन को क्लीन करना बहुत जरूरी है ये मेरे पास क्लीन एंड क्लियर का फोमिंग फेस वॉश है या कोई भी अच्छा सा फेस वॉश आपने ज़रूर यूज़ कर लेना है हंडी बेस लगाने से पहले ताकि स्किन पर कोई डर्ट ना हो उसके बाद टोनर भी ज़रूर अप्लाई करना है टोनर से हमारे पोर्स जो है वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं स्किन का पी लेवल कंट्रोल हो जाता है स्किन सॉफ्ट हो जाती है बेस बनाने के लिए प्रिपेयर हो जाती है एक से दो ड्रॉप लेकर आपने इसको पूरे फेस पे इसका मसाज कर लेना है टोनर का और इसके बाद हमारी जो स्किन है वो प्रिपेयर होना शुरू हो जाती है बेस के लिए और सेकेंड स्टेप होता है टोनर का तो इसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है वो हमने कोई भी थिक सा मॉइस्चराइज़र हंडी बेस लगाने से पहले विंटर में ज़रूर अप्लाई करना है तो ये जॉनसन्स का ट्वेंटी फोर आवर मॉइस्चराइज़र है और इसमें जो है वो शी बटर भी है तो ये हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज़ कर देगा तो इस तरह की केकी बेसिस से पहले हमने स्किन को डीपली मॉइस्चराइज़ ज़रूर करना होता है ताकि ये बेस से बहुत फ्लॉलेस सी ब्लेंड हो जाए और फ्लॉलेस लगे हमारी स्किन पर और इस तरीके से जब आप विंटर में हांडी बेस अप्लाई करेंगी तो आपकी बेस बहुत अच्छी लुक देगी और बिल्कुल केक ही नहीं लगेगी तो आपने अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़र को स्किन में पेनिट्रेट कर लेना है और हर जो स्टेप के बाद आपने दो से तीन मिनट का गैप देना है ताकि सारी स्किन के स्किन में जज्ब हो जाए और जब हम बेस अप्लाई करें तो फ़ौर से ब्लेंड हो जाए तो यहाँ पर मेरी स्किन मॉइस्चराइज हो चुकी है और चौथा स्टेप है इसको भी आपने जो है वो जरूर फॉलो करना है कोई भी प्राइमर आपने हांडी बेस से पहले जरूर लगाना है ताकि हांडी बेस हमारे पोज में ना जाए और फ़ौरन ब्लेंड हो जाए तो आपने विंटर में जो है कोई भी प्राइमर जरूर लगाना है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो प्राइमर लगा रही हूँ अपने पोर्स वाले एरिया पे लगा लेना है आपने चीक वगैरह पर अराउंड द नोज़ और उसी को पूरे फेस पे ब्लेंड कर लेना है बहुत ज़्यादा आपने प्राइमर भी नहीं लगाना तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये लिया प्राइमर और इसको पूरे हैंड पे ब्लैंड कर रही हूँ इन्हीं सारे स्टेप्स को अपने आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है तो आपकी हांडी बेस बहुत अच्छी और बहुत फ्लॉलेस जो है वो अप्लाई होगी तो अब यहाँ पर मैंने जो है वो सारे स्टेप फॉलो कर लिए हैं इसके बाद जब आप हांडी बेस अप्लाई करेंगी तो आपकी हांडी बेस बिल्कुल केक ही नहीं लगेगी बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगी और आप विंटर में इस तरह हांडी बेस से एक बहुत परफेक्ट बेस बना सकती हैं तो अब मेरे पास शेफ़र की ग्लोइड बेस है और इससे मैं आपको बेस बनाना बताऊँगी तो लेकिन इससे पहले आपने अपने डार्क सर्कल को हाइड ज़रूर करना है कोई भी ऑरेंज स्टिक ले सकती हैं और इन कंसिडर लेकर आपने अपने अंडर आई अराउंड द लिप्स जो है वो कंसीलिंग कर लेनी है इससे ये होगा कि आपकी जो बेस है उन एरिया से ग्रे नहीं होगी इवन देखेगी आपकी स्किन इवन हो जाएगी तो आपकी बेस बिल्कुल इवन लगेगी बिल्कुल ग्रे नहीं होगी पैची नहीं होगी तो आपने कोई भी ऑरेंज कंसीलर जरूर लगा लेना है मैंने यहाँ पर चाइनीज स्टिक लगाई है और ये भी येलो से कलर की होती है तो ये सारे स्टेप आपने ज़रूर फॉलो करने है एक अच्छी सी बेस बनाने से पहले और अब मेरी स्किन इवन हो चुकी है मेरी स्किन सरफेस जो है बिल्कुल इवन हो चुकी है हांडी बेस के लिए प्रिपेयर हो चुकी है तो अब मैं हांडी बेस को अप्लाई करूंगी तो अब यहाँ पर मैं ये जो ग्लोइड की बेस है आपको इसका रिज़ल्ट भी चेक कराऊंगी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है बहुत ग्लो देती है हमारी बेस पर और पार्टी बेस के लिए ब्राइडल बेस के लिए बहुत बेस्ट ये हांडी बेस है तो आपने ब्यूटी ब्लेंडर को वेट कर लेना है ब्यूटी ब्लेंडर हल्का सा वेट हो विंटर में ब्यूटी ब्लैंडर वेट करने से ये होता है कि हमारी बेस बिल्कुल केकी नहीं लगती और उतनी ही लगती है जितनी हमारे फेस को ज़रूरत होती है और जैद बेस हमारे ब्लैंडर पर आ जाती है और बिल्कुल विंटर में हमारी बेस केकी नहीं बनती तो अब आपने बहुत थोड़ी सी जो हांडी बेस है वो अप्लाई करनी थिक होती है तो थोड़ी सी पूरे फेस के लिए काफी होती है, है, कि है दिखाऊंगी तो ये पूरे मेरे पे ब्लेंड हो जाएगी और बहुत ग्लो देगी और जो है, इसकी बहुत अच्छी कवरेज है तो आप इसको बाय कर सकती हैं अब इसको आपने हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करते जाना है ब्यूटी ब्लेंडर से और पांच से छ मिनट जब तक आपकी बेस बिल्कुल ना हो जाए उसमें एक शाइन ना आ जाए आपने बेस को ब्लेंड करते रहना है तो अंडर आई आपने अराउंड द लिप्स इसको ब्लेंड करते रहना है बहुत ज़्यादा ये बेस नहीं लगानी ये बहुत थोड़ी सी अच्छी कवरेज दे, दे देगी आपको और आपको इसके बाद कंसीलर की भी ज़रूरत नहीं होगी तो यहाँ पर मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि कितना ग्लो आ रहा है मेरी बेस में तो इससे आपके सारे डार्क सर्कल ये आपकी बेस हाइड कर देगी तो शैफर की ये ग्लोई ठंडी बेस बहुत अच्छी है और ऑल स्किन के लिए सूटेबल है खासतौर पर विंटर में आप इससे बहुत अच्छी पार्टी और ब्राइडल बेस बना सकती हैं तो अब आप मैं आपको इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करके दिखाती हूँ यहाँ पर ये देखें जायद जो बेस थी मेरे ब्यूटी ब्लेंडर पर आ गई है तो वेट ब्यूटी ब्लेंडर करने से ये होता है कि बेस बहुत फ्लॉलेस अप्लाई होती है और यहाँ पे आप देख सकती हैं इस हांडी बेस का रिजल्ट बहुत बेस्ट है बहुत ऑसम है बहुत ग्लो देती है तो आप एक अगर एक अच्छी सी हांडी बेस चाहती हैं तो शेफर की ग्लोइड बेस बाय कर सकती हैं इस तक आपको अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा आपकी बेस में बहुत ग्लो आ जाएगी तो इस तरीके से हांडी बेस को हमने अप्लाई करना होता है इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके और एंड में हमने बेस को फिनिशिंग ज़रूर देनी होती है कोई भी आप लूज पाउडर या फेस पाउडर ले सकती हैं लेकिन उसको आपने फ्लफ़ी ब्रश से अप्लाई करना है विंटर में आपने कभी भी जो है स्पंज से फेस पाउडर को अप्लाई नहीं करना वरना आपकी बेस के की हो जाएगी तो इस तरह के फ्लफी ब्रश से ये होता है कि जायद जो है आप डस्ट ऑफ़ कर सकती हैं फेस पाउडर और हल्का सा आपने लगाना है विंटर में बहुत ज़्यादा जो आपने फेस पाउडर ही लगाना तो आपकी जो बेस है बहुत फ्लॉलेस लगेगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हांडी बेस से मैंने कितनी फ्लॉलेस ही बेस बना ली है तो मेडोरा का ये फेस पाउडर मैंने अप्लाई किया था नेचुरल इसमें मेरा शेड है मीडियम स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा शेड है तो आप शेफ़र की ग्लोइट हांडी बेस बाई कर सकती हैं बहुत अच्छी हांडी बेस है विंटर के लिए और स्किन टाइप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से आपने हांडी बेस को इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए लगाना है आपकी बेस बिल्कुल केकी नहीं लगेगी तो आप इससे एक बहुत फ्लॉलेस सी विंटर में बेस बना सकती हैं और आपने ब्यूटी ब्लैंडर को वेट रखना है और आपने स्किन केयर को ज़रूर फॉलो करना है जो मैंने आपको बताई है उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी इस तरह की और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाजत दें अल्लाह हाफिज़